नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सोझा ना हाजिर होयले। शराब घोटाला में पूछताछ खाती ईडी नोटिस जारी कईले रहले, लेकिन केजरीवाल आजू ना गईले। एकरा से पहले नवम्बर में भी ईडी समन देले रहे, जब केजरीवाल तीन राज्य के चुनाव में व्यस्त रहले। अब की बेर हाजिर ना होखे के कारण केजरीवाल के तरफ से विपश्यना ध्यान बतावल गई। आज से अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक विपश्यना केंद्र में गईले। ई केंद्र पंजाब के होशियारपुर में बा। दूसर तरफ भाजपा कहता कि केजरीवाल जांच से भागत रहले। आम आदमी पार्टी के कहनाम बा कि केजरीवाल के झूठा मामला में फंसावे के साजिश चल रहल बा। देश के राजनीति ए समय दू मोर्चा पर ठप्प हो गईल बा। संसद के शीतकालीन सत्र अंतिम दौर में पहुंच गईल बा, लेकिन राजनीति के दौड़ सांसद के निलंबन अवुरी जगदीप धनखड़ के अपमान के अंतिम लाइन पर पहुंच गईल बा, जहां सांसदन के निलंबन के लेखे विपक्ष सरकार के घेरे में लागल बा। जबकि सत्ताधारी दल धनखड़ के अपमान के मुद्दा उठा के विपक्ष के लताड़ रहल बा। एक ओर विपक्ष लोकतंत्र के आह्वान कर रहल, दूसरा तरफ सरकार के चुप्पी के मुद्दा बनावल जा रहल बा। देश अभी तक कोरोना महामारी से पूरा तरह से उबरल ना रहे कि ओकर नया सब वेरिएंट JN1 आ गईल। कोरोना के बढ़ता केस देश के माथे पर एक बार फिर चिंता के रेखा खींच ले बा। कोरोना के नया वेरिएंट JN1 के कुल 21 मामला सामने आयल बा। आ ई धीरे धीरे बढ़ रहल बा, यही कारण से अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम बनावल गईल बा। कोरोना के नए का वेरिएंट के देखत चंडीगढ़ प्रशासन एगो बड़ फैसला ले बा। प्रशासन एक बेर फेरू भीड़भाड़ वाला इलाका में मास्क लगावे के सलाह दिहलस। एकरा अलावे भीड़भाड़ वाला इलाका में ना जाए के निर्देश भी दिहल गईल बा। कोरोना के केस फेरू से दक्षिण भारत में तेजी से बढ़त बा। गठबंधन के सबसे बड़ चुनौती यूपी के सीट के लेखे बा। ऐसन स्थिति में लगातार सवाल उठत रहे कि का मायावती गठबंधन के संगे जई है। आज मायावती साफ क देले बाड़ी कि वो अकेले चुनाव लड़ी है। अगर सूत्र के माने तो कांग्रेस अखिलेश यादव के भी भरोसा देले बिया कि यूपी में गठबंधन के कमान अखिलेश के हाथ में हुई। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने के लेखे बहुत बड़ विवाद पैदा हो गईल बा। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अवुरी बजरंग पुनिया नतीजा के बाद एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कईले, जवना में उ लोग कहले कि न्याय न मिलल। साथ ही संजय सिंह के चुनाव जीते के विरोध में साक्षी मलिक कुश्ती से रिटायर होके के ऐलान कईली। एह दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गईली, आ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोवत रोवत निकल गईली। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे, जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।